हेलो। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से, सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और इन्हीं उम्मीदों के साथ शुरू होती है आज की क्लास। आज से आपका एक नया बैच होगा साथी मेरे, डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर परीक्षार्थियों के लिए। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, उनका एक एग्जाम तो फर्स्ट सेमेस्टर का हो ही चुका है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए वो लग जाएं। और उम्मीद है कि सब बढ़िया है, आगे बढ़ें। एक बार सभी कमेंट कर दें कि आपका कमेंट आ रहा है और आप मुझे देख पा रहे हो। महिमा यादव, सिद्धार्थ, सचिन, ऋषिकेश, मोहिनी शुक्ला, तान्या, ज्योति कुमारी, मुन्नी कुमारी, पंकज यादव, नीलेश सिंह, नीलेश आर्या और मनीषा सिंह, परी चौहान, विनोद परिहार, और सभी बच्चों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो चलो फिर आइए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की, इसमें पढ़ना क्या क्या है। और ये बताओ, पहला सेमेस्टर का परीक्षा कैसे हुई? बढ़िया हुआ? पेपर हल कराने का तो टाइम ही नहीं लगा, करवा देंगे वैसे, चलो कल ही करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर बहुत आसान आया था, बहुत इजी आया था ना। तो पहला जो चैप्टर आएगा इसमें सेकंड सेमेस्टर में, प्रथम अध्याय क्या है? तीन अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम ना। संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, यही तो है फर्स्ट चैप्टर। एलसीएम एचसीएफ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि नहीं? पढ़ चुके हो ना सभी? चलिए आइए बात बात करते हैं, मतलब कि बाकी चीजें छोड़िए साथियों। सिलेबस में आपको कल पीडीएफ में दिखा दूंगा, सिलेबस सबके पास है, किताब सबके पास है। एक बार मैं बोल देता हूं क्या क्या पढ़ना है, फिर ये चैप्टर हम शुरू कर देंगे, ठीक है? पहला एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्यंजकों में प्रयुक्त तो जोड़ घटाना और गुणा भाग तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, यानी दूसरे वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो मुझे जहां तक लग रहा है इसमें बोर्ड मास पढ़ना है और बीजीय व्यंजक आदि, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है? तीसरे में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय, वही पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम वाला। बहुत आसान है एकदम, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बहुत आसान है। अगला चैप्टर में है, इसमें भी नंबर सिस्टम का ही है, पूर्ण संख्या पर आधारित संक्रियाएं जोड़ घटाना, पूर्णांक तथा परिमेय अपरिमेयों का विशेष चैप्टर है अगला चैप्टर, ठीक है? छठा चैप्टर है समीकरण और सर्वसमिका, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। जानते हो क्या होता है? जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला या होल क्यूब वाला, ये सारे जो सूत्र हैं, फार्मूले, सभी सर्वसमिकाएं हैं, ठीक है? तो बाकी सिलेबस तो सबको पता ही है, चलिए हम इसको शुरू कर देते हैं। क्या कहना है आपका, शुरू करें? मोहम्मद कैफ, दीपा कुमारी, पुष्पेंद्र, ज्योति, अलका सिंह पटेल, बढ़िया है, चले आओ। चलो चलो भैया, तीन अंकों की संख्याओं तक का एलसीएम एचसीएफ। कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से,
तो दोनों विधि बताऊंगा, सिंपल है। आइए, सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन दिया, अठारह व बत्तीस का एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या हो सकता है बोलो। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि करो, इनके अभाज्य गुणनखंड करो, दो तेईस छः फिर एक अठारह, गुणनखंड करना सब पहले सीख चुके हो। इसका करोगे दो दूना चार दूना आठ सोलह बत्तीस, ठीक। जो दोनों में मैच करता है उसको ऐसे घेरिए, और कोई नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ दो, बाकी कोई और मैच कर रहा है क्या? नहीं, जो नहीं मैच कर रहा सब लिख लो फिर। अब नीचे देखो, दो तीन चार बार, इनका सबका गुणा करो फट से, दो तिहाई छह तरीक अठारह दूना छत्तीस, छत्तीस दूना बहत्तर, बहत्तर का चार में गुणा करो तो चार दूना आठ, चार सते अट्ठाईस, दो सौ अट्ठासी आएगा ना। मल्टीपल करके देख लो, कहीं गुणा में तो गड़बड़ी नहीं है। कोई कह रहा है एक सौ चौवालीस आएगा, कितना आएगा? कितना आएगा भैया? एक सौ चौवालीस बोल रहे हैं जो लोग, उनका देखो, बत्तीस से भाग करोगे एक सौ चौवालीस कहाँ जाएगा? जाएगा ही नहीं, गलत है। एक सौ चौवालीस इसका आंसर संभव नहीं है, बत्तीस से कटेगा नहीं। हो गया, चलो। तो ये था तीन अंकों की संख्याओं तक का एलसीएम एचसीएफ, लेकिन ये संयोग से यहाँ दो ही अंक थे, यहाँ दो ही अंक था ना। आइए इसी में थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ध्यान नहीं था, तीन अंक बोला था तो तीन अंक कर लो। यहाँ कर लो चालीस, अब चलो चालीस भी कर लो इसी में, तीन अंक बोला था ना, दो से भाग करोगे बीस आएगा, दो से करोगे दस आएगा, दो से करोगे पांच आएगा, हो गया। अब देखो साथी मेरे, जो पहले तो जो तीनों में कॉमन है उनको घेरेंगे, मैंने घेर लिया दो है, फिर क्या करेंगे एलसीएम में, जो मिनिमम किसी दो में कॉमन है उसको भी घेर लेंगे दो में। देखो तीनों में तो कॉमन नहीं, लेकिन कुछ दो ऐसे हैं जो दो में कॉमन है, जैसे ये, और कहीं कॉमन है नहीं ना। अब लिखो इनका एलसीएम, दो का एक जोड़ा बना है, ये दो और तीन, ठीक है, और तीन दो बार है, ये दो दो बार ऐसे उतर जाएगा, और ये पांच, करके देखो अब कितना बड़ा बन रहा है। दो दूना चार दूना आठ दूना फल दूना बत्तीस, बत्तीस पंचे, बत्तीस पंचे फिर छह से गुणा करो, पांच दूना दस, हाँ फिर एक पांच पंद्रह एक सोलह, छह से गुणा करो, सोलह छक्का छियानबे, नौ सौ साठ, कितना आएगा? नौ सौ साठ। वंदना आ रहा समझ में? मुकेश सिंह, मोहिनी, धीरेज, सक्षम, भाई देखो 960 तो आ रहा है यार, देखो 960 में भाग करो सब इसे नंबर से बारी बारी, डिवाइड बाय 40 करो, आराम से हो जाएगा। और 960 को अगर हम डिवाइड बाय 32 करते हैं तो भी हो जाएगा, तो ठीक है, हो रहा है। आगे बढ़े चलें,
लिख लिया। चलिए, तीन अंक की संख्याओं का एलसीएम देख गए, सीख गए। अगला देखो, एक और संख्याएं 12, 20 व 24 का एलसीएम सिर्फ गुणनखंड विधि से कर रहे हैं अभी, ओनली गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि लिखो फटाफट। भाई साहब पहले संख्या लिख लो, जो भी संख्या उनको लिख लो फटाफट, इनके फैक्टर बताओ। एक मिनट, तब तक मैं आया, रुको, जल्दी बताओ। चलो ट्राई करो, फैक्टर बताओ आप लोग, तब तक मैं इसको साइड में कर देता हूं थोड़ा सा। चलो भैया चलें आगे, बढ़िया है सब। थोड़ा रुकना, बिजली का वोल्टेज देखने दो, वोल्टेज बहुत लो है। इनके फैक्टर करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो दो दूना चार तिहाई 12, इनका करोगे दो दूना चार पंचे 20, इनका करोगे दो दूना चार दूना 8 त्रिक 24। जो तीनों में कॉमन है उनका घेरो पहले। अब जो मिनिमम दो में कॉमन है उनको भी घेर लो। बस हो गया, लिखो एलसीएम बराबर। एक दो जोड़ा बना है दो का, तीन वाला एक ठीक है, एक पांच और एक दो बच रहा है। दो दूना चार तिहाई 12 दूना 24, 24 पंचे 72, पांच चौक 20, पांच दूना 10 दो 12, 24 पंचे 120। 120 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड है ना। रुखसार अंसारी बहुत अच्छा, मुकेश सिंह बहुत बड़ा जाता है आपका। चलें आगे बढ़े, हो गया आप लिया। चलो तो ये आप देख रहे हैं यूपी टेलेट सेकेंड सेमेस्टर पर आधारित मैथ्स की क्लास। जो भी ये भर्ती स्टूडेंट्स यूपी डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा देने वाले हैं, फर्स्ट में पास हो चुके हैं, वो पढ़ाई शुरू कर दें अगर पूर्णांक चाहते हैं तो, नहीं तो वही तुम पढ़ते हो जब पेपर का शेड्यूल आ जाता है तब। तो एक दिन में कुछ होता नहीं है, पास भले हो जाओ मुश्किल से, ठीक है। तो पढ़ाई का मतलब होता है ढंग से सीखना, ये नहीं पास हो गए बस बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 या 4, 22, 24 व 32 का एलसीएम, चलो बताओ क्या आएगा। आग विधि से एलसीएम बहुत आसान आता है यार ये। देखो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 लिख लो। लिखो 20, 24 व 38 का एलसीएम। भाग विधि से देखिए कैसे करते हैं, समझिए। सबसे पहले साथी मेरे इनको एक काम करते हैं, ऐसे हराई फंदाते हैं ऐसे, ठीक है, और एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे इनको प्यार से पूरी इज्जत के साथ सबको बैठाते हैं, 20, 24 और ये थे 38, ठीक है।
वैसे ये लाइन जो है ऊपर खींचते हैं, मतलब नीचे खींचते हैं, इस तरीके से वर्गमूल में करते हैं, जैसे कि ऐसे होता है। अब एक ऐसी संख्या सेलेक्ट करेंगे जिससे इन तीनों को पूरा पूरा भाग किया जा सके। क्या कोई ऐसी संख्या है? बोलो, कोई ऐसी संख्या है? बैटरी लो हो गई इसकी, अभी डिस्चार्ज हो जाएगा, मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा रुकना रुकना थोड़ा। अब मेरी आवाज आ गई? एक बार सभी यस बोल दीजिए। वॉइस आई, थोड़ा आवाज बदल गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आइए। आइए जनाब, आप ही का इंतजार था। चलिए, कोई ऐसी संख्या सेलेक्ट करेंगे जिससे कि इनको तीनों को भाग किया जा सके, जीरो से सफल आए। तो सबसे छोटी संख्या अगर हम दो लेते हैं तभी ये पॉसिबल है। दो से भाग करेंगे 20 में तो 10 आएगा, 24 में भाग करेंगे 12 आएगा, 38 में करेंगे 19 आएगा। अब कोई ऐसी संख्या लें जिससे इन सबको एक साथ भाग किया जा सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वन को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं होगी ना। तो हम ये देखेंगे कि कम से कम एक या दो संख्या को भाग किया जा सके, क्या ऐसा कोई जुगाड़ है? हाँ है, तो वो दो संख्या फिर से हम दो से भाग कर सकते हैं, तो 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 19, जो जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा उसको पूरा वैसे लिख लेते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग 19 में करोगे तो 0 से सफल नहीं आएगा। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कोई भी संख्या इसमें 2 से डिवाइड होने लायक रहेगी। ये 5 में नहीं जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं, 5, 3, 19। तो चाहे तो इनको भाग दो बारी बारी, चाहे कुछ ना करो, छोड़ दो, क्योंकि हिकना टाइप के हो गए, इनको काटने पीटने से, कहते ना मारने गरियाने से कोई फायदा नहीं, ठीक। यहां लिखेंगे एलसीएम बराबर, दो दो कितनी बार आया है? 3 बार, नीचे बचा है 5, 3, 19। सीरियल से लिख ले, गुणा कर लो भैया इनका, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 19। देखिए गुणा करना आसान कैसे होगा, 19 अट्ठे 152 होता है ना, करके देखो, 19 अट्ठे 152, तो ये 152 गुणा 15, अगर हम 15 का 8 में गुणा कर लेंगे तो 19 वाला कठिन हो जाएगा मल्टीपल करना, ठीक। तो करो, पंद्रह दुना 30 हासिल आया 3, 15 5 75, 75 3 78 का 8 हासिल आया 7, 15 1 15 5 20 2 22, 2280। ये ऐसी संख्या जो तीनों से कटेगी, क्या इससे छोटी भी कोई संख्या हो सकती है क्या? सनी मौर्य, सनी बाबू, पीबीआर स्टडी ऐप में पूरा कोर्स उपलब्ध है संकल्प बैच में, ठीक है, जाके इनरोल कर लीजिए, बाकी ऐसे नहीं मिलने वाला, कहीं खोजते रहोगे, टाइम बर्बाद ना करें, पैसे की कीमत समय से ज्यादा नहीं होती है। सभी का पेपर अच्छा हुआ कि नहीं? आप लोग नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर अपना पेपर भेज देना, कल हल करवा देंगे डीएलएड वाला, वैसे बहुत लेट लपेट वाले आदमी है लेकिन करवा देंगे, कोई बात नहीं। ये था भाग विधि से।
इनका एलसीएम भाग विधि से करो, चलो एफए लाइन खींचेंगे, नंबर इनके ऊपर लिखेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे इन तीनों को भाग करने पर जीरो शेषफल आ सके, कोई एक संख्या ले लो, कुछ भी एनीथिंग, तो दो हो जाएगा। दो से भाग करोगे 26 में 13 आएगा, दो का भाग 28 में करोगे 14 आएगा, 30 में करोगे दो का भाग 15 आएगा। ये प्रक्रिया फिर से करोगे तो 13 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 13 को वैसे लिख देंगे बिना कोई बदलाव के, ठीक। दो का भाग 14 में जाएगा, साथ ही मेरे 7 आएगा, 15 में नहीं जाएगा, ऐसे लिख देंगे। अब नीचे जो है कट सकता है कुछ, तो 15 डिवाइड हो सकता है, तो 15 को भाग करो 3 से। अब नीचे जो कंडीशन आ रही है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, इनको भाग भाग करने से कोई फायदा है नहीं। दो गुड़े दो गुड़े तीन, और फिर इन सबको लिख लेंगे लास्ट में, क्योंकि मैंने इन्हें ज्यादातर भाग नहीं करा। 13, 7 और 5 सब लिख लेंगे। 2 × 4 = 12, 1284, ठीक है। 84 का गुणा 13, फिर 5 से कर लो बाबू, चलो कर लोगे। देखो 13 × 4 = 52, हासिल 5, 13 × 8 कितना होगा, 13 × 8 = 104 ना, तो 13 × 4 = 52 का 2 हासिल आया 5, 13 × 8 = 104, 104 में 5 जोड़ेंगे 109, कितना होगा 109। अब 5 से गुणा कर लो साथी, चलो 5 × 10 हासिल 1, 5 × 45 = 46 हासिल 4, और 5 का गुणा 0 में करोगे 4, और 5 × 1 = 5, 54, 60 आएगा ना। राहुल मौर्य, धीरेश कुमार, रुखसार, आ रहा समझ में सभी को, बढ़िया, छापो, चलो छापो। ये है 3 अंकों तक की संख्याओं का क्या एलसीएम, ठीक है भैया, ठीक है बाबू ना, चले बढ़िया, चलो चले आगे। चमक तो नहीं रहा है ना राहुल, आ रहा समझ में मोहित, अगला सवाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 लिख लो। संख्या 40, 48 व 50 का एलसीएम भाग विधि से बताओ, चलो इधर ऐसे लाइन खींचेंगे, कोई ऐसी संख्या लो जिससे तीनों को भाग किया जा सके एक बार में, है कोई संख्या, चलो तो भैया वो संख्या जो हो जाएगी बाबू क्या होगी, 2, 2 से भाग करोगे 40 में 20 आएगा, इसमें 24 आएगा या 25 आएगा, फिर 2 से भाग करोगे 10, 12 और 25, अभी भी 2 का भाग जाएगा, अभी भी जाएगा। देखिए भाग हम उसी संख्या में करते हैं जिसमें भाग करने पर जीरो शेषफल आए, जैसे यहाँ 2 का भाग करेंगे 5 में तो 0 नहीं आएगा, इसलिए हम 5 को ऐसे लिख लेते हैं बिना कोई बदलाव के, ठीक। जैसे यहाँ हम 2 का भाग किए 20 में तो 10 आया, 2 का भाग किए 24 में तो 12 आया, और 2 का भाग 25 में करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए 25 को वैसे उतार लेते हैं बिना कोई बदलाव के, ठीक।
समझ गया। चला अब ये डिवाइड हो सकता है कोई तो पांच से, तीन वैसे लिख देंगे पांच। अब तीन और पांच क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड हो गया, इनका कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब यहाँ एलसीएम कर लो, देखो दो दो चार बार है, दो फिर क्या है, पांच है, फिर तीन है, फिर पांच है, समझो। दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, 16 पंचे 80, 80 को 15 में गुणा करो, 15 8 120 होता है। हाँ बारह आएगा कहो, करके देखो धीरे, सारा समझ में, रुखसार अंसारी आयांश और कोई अनिमान लिख लो फट से, छापो, चलो छापो। चले हो गया, आप लिया सब भाई, अगले सवाल पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, संख्या 32, 48 छप्पन का एलसीएम भाग विधि से बताओ। कर लोगे, कभी कर लोगे ना पक्का? अभी इस चैप्टर में हम एलसीएम एचसीएफ ही करेंगे, ठीक है? एग्जाम के बारे में क्या बताएं, रुखसार अंसारी क्या बताएं? रोहित जी हो आप, कहाँ हो? देखिए लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। एग्जाम जिनका सही नहीं हुआ है उनके जिम्मेदार वही है ना, पढ़े काहे नहीं, काहे नहीं पढ़े बताइए? 6 महीने का टाइम मिलता है, क्यों नहीं पढ़ते? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, लीपा पोती नहीं। हाँ अब बैग लगेगा तो तैयारी रखिए, तैयारी रखिए, बैग डालिए बस, और कोई उपाय नहीं है। जुगाड़ वाला काम हम करते नहीं, जुगाड़ लगवा दे पैसा वैसा लगा के, ऐसा होता नहीं है। और 6 महीने ज्यादा टाइम मिलता है, पेपर होता ही नहीं जल्दी। दो से करो इनको, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16 दूना 32, इनको करोगे दो दूना चार, दूना आठ। देखो भाई समझो, क्या है, दो का भाग करोगे एक बार तो 24 आएगा, फिर दो से भाग करोगे 12 आएगा, फिर दो से भाग करोगे 6 आएगा, फिर दो से भाग करोगे 3 आएगा, फिर 3। इसको दो से भाग करोगे 28 आएगा, फिर दो से भाग करोगे 14 आएगा, फिर दो से करोगे 7 आएगा, ठीक है? इतना सही है, कोई दिक्कत? ये है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि ना यार, भाग विधि कर रहे थे ना लेकिन हम लोग। चलो एक इसी विधि बता देता हूँ, भाग विधि तो अभी बताया हूँ कहीं ना, ठीक है? भाग विधि बता दिया हूँ, ये भी बता दिया हूँ, चलो जो नंबर तीनों में कॉमन है पहले उनको घेरो, उसके बाद जो दो केवल दो में कॉमन है उनको घेरो, केवल दो में, दो में, तीनों में ना हो।
एक दो तीन जोड़ा बन रहा है, और जो दो में कॉमन है एक है, और तीन और सात और एक दो भी बच रहा है, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, 16 3 48, 48 का 14 में गुणा करिए, चौदह अट्ठे कितना होता है? अरे भाई 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 14 अट्ठे 112 ना, चौदह ठीक 112 का 2 हाँसी लाया 11, और 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 11 कितना हो जाएगा, 56 6 6 67, 672 आएगा ना, लिख लो फट से, छाप लो, चलो नुपुर आ रहा समझ में, मोहिनी रुखसार राहुल रोहित मंडल, जल्दी लिखो फट से छापो भैया, चलो भाई चलो चलो चलो, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना? तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ पहला चैप्टर के बारे में, इसमें कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे तो करवा देंगे, नहीं बहुत है इतना, ठीक है होमवर्क लिखिए। गुणनखंड विधि से एलसीएम करना, कहाँ जा रहा है तू, नीचे आज बैठा, चलो लिखो पहला 50 36 78, कुछ बड़ा बड़ा दे दूँ ना, क्योंकि अब तो आपको घर से करना है, कर लोगे ना गुणनखंड विधि से एलसीएम, सभी कर लोगे ना, फट से छापो, चलो तुम राज आवता है कुछ समझ में हो कि नहीं आवता है, बस ऐसे चलता है, हलवा है डगर मगर, इनको सबको कर लेना, ठीक है, गुणनखंड और भाग विधि दोनों लगाना, किसी को क्लास के संबंध में कुछ कहना है तो बताइए, एनी क्वेश्चन कुछ भी, ये यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए एक बैच स्टार्ट हुई है, सभी को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए दबा के, यूट्यूब पे होगी हमारी कोशिश है, अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो इस क्लास का आप सारा पार्ट देख पाएंगे, इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच, ठीक है, YouTube पर ये क्लास हो सकता है बीच में गैप करके हो, लेकिन PVR स्टडी ऐप में अगर आप कोर्स को इनरोल करते हैं तो आपको ये रेगुलर मिल जाएगा एक तरफ से ढंग से, ठीक है भैया, तो याद रखें 6 जुलाई से ये बैच शुरू हो चुका है, कैसी लगी ये क्लास मुझे बताना जरूर, ये लाइव ऑन है, कुछ कहना है किसी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक देखिए रोहित जी दे रहे हैं पीवीआर स्टडी सपोर्ट की तरफ से, जिससे आपको क्लास का लिंक डेली मिले, क्लास के लिंक डेली टेलीग्राम चैनल पे भेजे जाते हैं, किसी दिन क्लास नहीं चलेगी या छुट्टी रहेगी या कुछ नया होगा तो वो सूचना भी टेलीग्राम पे ही मिलती है, यूट्यूब पे चैनल पे नहीं मिलती,
तो आप सभी हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है भैया बाबू? बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से ढेर सारा थैंक यू।